दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्यों इंडिया को चाइना के उन दोस्तों से सावधान रहना चाहते हैं जो कि इंडिया की ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को खरीदना चाहते हैं। फिलीपीन और थाईलैंड ने इंडिया की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को खरीदने में इंटरेस्ट दिखाया है। हालांकि अभी तक बात आगे नहीं बढ़ पाई है, लेकिन अगर इंडिया ये मिसाइल इन देशों को बेचता है तो ऐसा डर है कि ये गन चाइना के हाथों में जा सकती है, क्योंकि ये दोनों देश चाइना के बहुत ही करीब हैं। ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया का एक मेन प्रसिजन स्ट्राइक और एंटी शिप वेपन है जो कि इंडिया अपनी सभी फोर्सेस में यूज़ करता है। फिलीपीन आर्मी और रॉयल थाईलैंड नेवी दोनों मैरिटाइम मोबाइल कोस्टल बैटरी वेरिएंट को खरीदना चाहती हैं। ये दोनों देश ब्रह्मोस के इस वेरिएंट को अपनी कोस्ट लाइन को डिफेंड करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे ज़्यादा तेज एंटी शिप क्रूज मिसाइल है जो कि ऑपरेशन में है। चाइना थाईलैंड का सबसे मेन वेपन्स और एम्युनिशन का सप्लायर रहा है। थाई नेवी ने हाल ही में 6.11 बिलियन बहात की डील चाइना के साथ साइन की है, जिसमें चाइना थाईलैंड के लिए एक टाइप 071 लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक वॉरशिप, एक 20,000 टन की एम्फीबियस वेसल बनाएगा। इसके साथ ही थाईलैंड की नेवी ने चाइना से 13.5 बिलियन बहात की डील साइन की थी, जिसमें वो 3 चाइनीज सबमरीन्स खरीदेगा। ऐसे ही फिलीपींस ने भी चाइना से 4 बोट्स और 30 रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड लॉन्चर्स खरीदे हैं। इसके साथ ही उन्होंने चाइना से 6,000 असॉल्ट राइफल्स और हजारों स्नाइपर राइफल्स खरीदी हैं। इसके साथ ही उन्होंने चाइना से छोटे हथियार और गोला बारूद भी खरीदा है। ये दोनों देश चाइना से हाल ही में बहुत ज़्यादा वेपन्स खरीदते रहे हैं, और इसके साथ ही दोनों देशों के बीच इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक फ्रंट में भी बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप है। हाल ही में वियतनाम ने भी ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने में इंटरेस्ट जाहिर किया था, लेकिन वियतनाम के चाइना के साथ इतने संबंध अच्छे नहीं हैं और वियतनाम इस मिसाइल को अपनी कोस्ट लाइन को चाइनीज नेवी से डिफेंड करने के लिए खरीदना चाहता है। लेकिन फिर भी इंडिया ने उसके साथ डील अभी तक साइन नहीं की है, क्योंकि उन्हें डर है कि इस मिसाइल की अगर वियतनाम को सेल की जाती है तो शायद चाइना को अच्छी ना लगे। ब्रह्मोस इंडिया का सबसे ज़्यादा खतरनाक एंटी शिप वेपन सिस्टम है जो कि चाइनीज नेवी को इंडियन ओशन रीजन में चैलेंज कर सकता है। इसे किसी भी इंटरसेप्टर मिसाइल से इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता। इस मिसाइल के कारण चाइना की सबसे एडवांस्ड वारशिप्स भी खतरे में आ जाती हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग इस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।